बैकग्राउंड में जो आपको नजर आ रहा है जी, ये वो मॉस्क है। लेकिन जब मुसलमानों की यहाँ से हार हुई और आहिस्ता आहिस्ता निकलते निकलते टोलीडो से फिर कार्डोबा और कार्डोबा के बाद ग्रनाडा तक मुस्लिम हुकूमत चली गई, तो उस वक्त फिर इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया। जी गाइस, अभी हम स्पेन में हैं, अभी हम टोलीडो हम जाएंगे, एक सिटी है। टोलीडो जी रोमन टाइम से ये शहर यहाँ मौजूद है और ये विसिगॉथ्स जो यहाँ पे रहते थे उनका कैपिटल होता था और ये एक रिलीजियस, कल्चरल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर था। तो वहाँ जाएंगे, 50 मिनट ड्राइव है। व्यू हमारी विला है, तो ये व्यू है बहुत अच्छी सी। तो अभी हम स्पेन में टोलीडो जाएंगे। And we are ready to go to Toledo. Toledo is a medieval city in Spain. Once upon a time, Toledo was the capital of Spain. Toledo jo hai, this was a fortified city located along the Tagus River. Aur is waqt jo interesting cheez wahan ek dekhne ki hai, ek puri ek mosque hai jo apni original condition mein, apni halat mein maujood hai. Aapko hum wo dikhayenge. पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि गॉडलेट के मकाम पर तारिक रोड्रिक को शिकस्त देने के बाद स्ट्रेट अवे टोलीडो की जानिब मूव करता है और यहाँ पर जो ज्यूज़ होते हैं वो वेलकम करते हैं तारिक बिन ज़ियाद को। उसके लिए हिस्टोरियंस ने लिखा है कि गेट्स ओपन कर देते हैं टोलीडो के। इस तरह से यहाँ अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के बाद तारिक बिन ज़ियाद ज्यूज़ को टोलीडो शहर का कंट्रोल देकर और अपने कुछ सिपाही पीछे छोड़कर आगे ज़ारागोज़ा की तरफ रवाना होता है और इसी जगह रिवर टैगस के पास ही मूसा बिन नुसैर से तारिक की मुलाकात होती है और फर्दर एडवांसमेंट यहीं से शुरू होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओल्ड सिटी है, इसकी गलियाँ और पुराने घर, मुसलमानों का क्वार्टर यही था और यही रास्ता हमें आगे एक उस पुरानी मॉस्क की तरफ लेकर जाता है जो आज भी टोलीडो में मौजूद है और देखने के काबिल है। अच्छा जी, ये मॉस्क है जी जो अपनी ओरिजिनल हालत में टोलीडो के अंदर इनकी मेहरबानी इन्होंने प्रिजर्व की। और एंड में इसको इन्होंने ऑब्वियसली, जैसे तमाम मसाजिद को कन्वर्ट किया था, इन्होंने चर्च में कन्वर्ट कर दिया। तो एक फीलिंग है जी, यहाँ पे कभी हैया अलस्सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं बुलंद होती थी। इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं जी, जिस जगह ये मस्जिद इस वक्त मौजूद है, उस वक्त जब यहाँ पे मूर मुसलमान रहते थे, इस जगह को मदीना कहते थे और काफ़ी वेल्दी अकाबरीन जिसको कह सकते हैं वो यहाँ रहते थे। और इस मस्जिद को 999 में, यानी 999 में अहमद इब्ने हदीदी, इन शख्स का नाम था, अपने ज़ाती पैसे से
उसने इस मस्जिद को तामीर किया। और जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं, बाकायदा ये ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है और ईयर भी लिखा हुआ है। अगर आप बहुत क्लोज जाएं, करीब जाकर देखें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये 999 में मस्जिद तामीर की जाती है। और हिस्टोरियंस ने लिखा है कि आम लोगों के लिए नहीं थी, मोस्टली इस मस्जिद के अंदर उमरा या अकाबरीन जो थे इस महल्ले के, वो आते थे। और मूसा इब्ने अली इसका आर्किटेक्ट था, हिस्ट्री में बाकायदा इसका नाम आता है। और तकरीबन मुहर्रम 390 हिजरा में ये मस्जिद जिसका नाम है बाबुल मर्दम ये मुकम्मल होती है। इस वक्त आजकल इसका नाम क्रिस्टो डी ला लूज है, क्योंकि ये अब एक चर्च है। एक बहुत बड़ा जो इंटरेस्ट था जी, वो इस मॉस्क को भी देखना था। ये देखिए आप, अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें आपको मेहराबे नज़र आएंगी ऊपर, ये देखिए। और अहमद इब्ने अल हदीदी ने जी इस मस्जिद को, ये देखिए ये आर्चेज जो आपको नज़र आती हैं एग्जैक्टली वही हैं जो कार्डोबा में पैटर्न यूज़ किया गया। ये कार्डोबा में है जो मस्जिद करतबा है, ये उसकी पिक्चर है, उसमें देख सकते हैं सेम कलर सेम पैटर्न इस मस्जिद को। सो एक तरह का रेप्लिका, बहुत खूबसूरत छोटा सा रेप्लिका टोलेडो में बनाया गया करतबा के मस्जिद की तर्ज पर। बिट ऑफ इन्होंने एक छोटा सा बनाया हुआ है, आई थिंक इसके अंदर भी चल सकते हैं कमा, तो आपको अंदर लेके चलते हैं। सो गाइज, हम इस मॉस्क में, तो वी आर एंट्रिंग, ये जी कभी यहाँ पे नमाज होती थी। एंड लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने फिर क्रिश्चियन चेंज कर दिया गया। मस्जिद की टोटल 8x8 मीटर्स की थी। इसके जो इसको डिवाइड करते थे 9 पार्ट्स में, 4 इंटरनल कॉलम्स और 12 पेरीमीटर सपोर्ट्स, जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगर इसी तरह से ये टॉप पे इसका गुंबद था और इसकी एक्सटेंशन होती है जाके 1085 में, 1085 में जब ये अल्फोंसो 6 अवीला से आते हुए टोलेडो को भी अपने कब्जे में कर लेता है, उस वक्त इस पिक्चर में, इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो आपको ओरिजिनल ये मॉस्क है और इसके साथ बाकी ये सारी जो गोल है ना जी, ये एक्सटेंशन हुई हुई है। जो ओरिजिनल मॉस्क है वो ये जो आर्चेज हैं 8x8 मीटर, बाकी सारी एक्सटेंशन है। इस मॉस्क का जो था जी एक गार्डन था बहुत खूबसूरत, इसकी बैक पे जो गार्डन है अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये छोटा सा गार्डन यहाँ पर। टोटल एक्सपेंशन का जो डिज़ाइन है जी, वो मोखीदार आर्ट कहलाता है, जो कि बाद में इन लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया और इसमें अरेबिक टच है। और ये मॉस्क के दूसरी तरफ एक और गार्डन यहाँ पर मौजूद है। This looks like ये प्लेस जो लगता है सही है, ओल्ड है, इसके ऊपर सारा ये स्टोन में भी नया हो, तो वज़ू की जगह हो सकती है कि यहाँ से पानी आता यहाँ पर, क्योंकि उस दौर में ये होता था कि अभी भी इंडिया में आप जाएँ तो कॉमनली एक छोटा सा पूल और उसी में वज़ू किया जाता है, सेपरेट जो टैप्स नहीं होते थे। सो दिस इज़ अ मुस्लिम कॉन्सेप्ट बेसिकली।
यहाँ से आपको एक सिटी का व्यू देते हैं जी। और मेरे इंटरेस्ट की चीज़ जी, टोलेडो ओवरऑल तो बड़े मुस्लिम घर होंगे, अब ज़ाहिर है हमें तो नहीं पता चल सकता, लेकिन ये जो आर्किटेक्चर आपको नज़र आ रहा है सारा, Abdullah, how are you? Where are you? अच्छा गाइस, ये देख सकते हैं पोर्टा डेल सोल, ये एक गेट है जो कि 12th सेंचुरी में बनाया गया था और 100% ये मुस्लिम आर्किटेक्चर है। अगर आप थोड़ा सा मैं जूम करूँ, ये मेहराबें देखें, और बाद में इन्होंने, ये बाद में क्रिश्चियंस ने इन लोगों ने लगाया, ये देखें सेंटर में, जो कि इस बिल्डिंग का कहीं से भी हिस्सा नहीं है। और ये ब्यूटीफुल आर्चेस, ये मोरिश आर्किटेक्चर है जो कि आपको कार्डोबा में भी मिलता है और ग्रेनाडा में भी मिलता है। और ये चीज़ जो है इन्होंने बीच में ऐड की है, तो ऑब्वियसली एडिशंस होते रहे। दिस इज़ ये मॉरिश टाइम में एक एंट्रेंस गेट बनाया गया था, और इसी तरह से जो आसार हैं, ये देखिए इसको बंद किया हुआ इन्होंने, इसके अंदर इसके डेफिनेटली रूम्स होंगे। और ये भी जी मॉरिश आर्किटेक्चर का एक खूबसूरत हिस्सा है। पोरिटा डी डिसगारा, ये वो स्क्वायर है जो 10th सेंचुरी में मॉरिश रूरल्स ने कंस्ट्रक्ट किया था, रिजरेक्शन हुई थी इसकी, तो ये बाद में इन लोगों ने ये सारे एडिशंस किए हैं जो कि ओरिजिनल स्टोन का हिस्सा भी नहीं है। ये इन्होंने मुजस्मे अपने खड़े किए, और ये थोड़ा सा कुछ ब्लॉक्ड एरिया है डेफिनेटली, यहाँ ये जो टावर है इनका, उसका हिस्सा। ओके, तो ये था जी मेन जो एंट्रेंस टोलेडो की, शाहाना एंट्रेंस मुस्लिम दौर में बनाई गई, और बाद में इसको रोमन कैथोलिक्स ने चेंज करके ये एडिशंस की, लेकिन जो ओरिजिनल वॉल है वो ये है। तो इस तरह से जी इस गेट से जब आप एंटर हो तो सामने आप देख सकते हैं कि जो हिल टॉप पे फिर टोलेडो का वॉल्ड सिटी, तो ये थोड़े से आउटस्कर्ट्स में उन्होंने जाकर ये गेट बनाया।